दोस्तों, हमारी धरती पर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर आपको यकीन नहीं होगा, जिनसे आपके दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं या सुनते हैं जिस पर आप यकीन नहीं कर पाते। दुनिया में बहुत से कोइंसिडेंस होते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती, फिर भी होते हैं, और यही आपके दिमाग में बहुत सवाल छोड़ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में हुए 10 सबसे बड़े अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस के बारे में, जिनको सुनने के बाद आप भी इनके सवाल पाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना एकदम पुनर्जन्म की तरह है। इस इमेज में ये दोनों अलग अलग हैं और दिखने में दोनों एक ही इंसान लगते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग अलग हैं। इस फोटो में एक है एंजो फरारी, जिन्होंने फरारी कंपनी की स्थापना की थी, और दूसरे हैं मेसुड ओजिल, जो कि जर्मन फुटबॉलर हैं। एंजो फरारी की मौत 1988 में हुई थी और लगभग एक महीने बाद ही मेसुड ओजिल का जन्म हुआ था। दोस्तों, एक कहावत है ना कि जो होना है वो तो पहले से ही लिखा होता है, और कुछ इसी तरह टाइटैनिक जहाज की कहानी भी है। साल 1898 में, यानी कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले, मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के इस लेखक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक जहाज की कहानी है जो कि डूब जाता है, और उस जहाज को टाइटन नाम दिया गया था। अब दोस्तों, इतने से भी आपका मन नहीं माना तो मैं बता दूं, दोनों जहाजों की तकनीकी विशेषताएं एक समान ही थी, और दोनों जहाज उत्तर अटलांटिक में एक बर्फ की बड़ी चट्टान से टकरा गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद उस किताब को दोबारा से प्रकाशित भी किया गया, जिसका नाम था द सिंकिंग ऑफ टाइटन। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस टाइम ट्रेवल की घटनाओं के लिए बहुत ही चर्चित है। इस फोटो को देखने पर लग रहा है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इनमें से एक जुबैदा थरवट है, जो एक जमाने की बहुत ही महंगी अभिनेत्री थी, और दूसरी जेनिफर लॉरेंस है, जो कि आज के समय में सबसे महंगी अभिनेत्री है। यानी एक ही चेहरा, एक ही काम, बस समय अलग अलग है। दोस्तों, साल 2000 में द सिम्पसंस ने एक भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, इस इमेज को देखिए और आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है। साल 2000 में उन्होंने अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की थी, जब सिम्पसंस के डिजाइनरों ने साल 2000 में ये पेंटिंग बनाई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त ये लोगों के लिए बस एक मजाक ही था, और ऐसा ही हुआ। क्या उन्होंने सच में भविष्य देखा था? दोस्तों, हूवर डैम पर हुई एक दुखद घटना। जब हूवर डैम का काम शुरू किया गया था, तब सबसे पहली मौत 20 दिसंबर 1922 के दिन जॉर्ज टियर्नी नाम के आदमी की हुई थी, और उसी डैम पर आखिरी मरने वाला आदमी पैट्रिक टियर्नी था, जो कि जॉर्ज का बेटा था, और वो भी 20 दिसंबर के दिन ही मरा था। दोस्तों, ठीक उसी तरह की घटना हुई थी बरमूडा में। साल 1975 में एक 17 साल का लड़का एस्किन लॉरेंस साइकिल चलाते हुए जा रहा था, तब एक टैक्सी से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और कुछ सालों बाद उसका छोटा भाई ठीक उसी जगह साइकिल से जा रहा था, और ठीक उसी जगह पर टैक्सी से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, और उसकी उम्र भी उस टाइम 17 साल ही थी। टैक्सी में बैठा ड्राइवर भी सेम था, यानी एक ही जगह, एक ही टैक्सी, एक ही ड्राइवर, बस भाई दो थे। लिंकन और कैनेडी के मरने के कोइंसिडेंसेस। दोस्तों, ये दोनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ हुए कोइंसिडेंस के बारे में है। अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी दोनों को गोली से मारा गया था, और दोनों को एक ही जगह पर गोली लगी थी, और दोनों के साथ उनकी पत्नी मौजूद थी, पर समय अलग अलग था। बिली ग्राम नाम का एक आदमी दोनों का दोस्त था। कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था, और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। रोमन साम्राज्य और उनके नाम। रोम शहर का नाम रोमुलस और रेमस नाम के राजाओं से आया था। रोमुलस रोम का पहला राजा बना था, और रेमस आखिरी था, यानी प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रोम रोमुलस नाम के राजा से शुरू हुआ और उसी नाम के राजा से समाप्त हुआ था। दोस्तों, ये पहले विश्व युद्ध का कोइंसिडेंस है।
पहले विश्व युद्ध में जहां ब्रिटिश आर्मी का पहला सैनिक मरा था, उसी से 6 मीटर की दूरी पर ब्रिटिश आर्मी का आखिरी सैनिक मरा था और उनके हेडस्टोन एक दूसरे के सामने हैं। ठीक इसी तरह से ये पहला है और ठीक उसी तरह से ये दूसरा है। और दोस्तों, इस व्यवस्था को किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।